Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am also doing really good. So today we are here to talk about how to apply for masters in Canada from Pakistan or from your homeland. और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं जिनसे हम इंटरव्यू लेने वाले हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन मास्टर्स, वो कोई और नहीं मेरे हस्बैंड हैं सलमान. सो आई वेलकम यू ऑन माय चैनल. थैंक यू. एंड ही इज रिसेंटली डन हिज मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी. मैंने पूरी कवरेज दी है कॉन्वोकेशन की, सो आई एम शेयरिंग द लिंक अप हियर. आप लोग ज़रूर देखें वो वीडियो भी. और ही इज़ ऑल्सो प्रोफेशनल इंजीनियर, इनके पास PEng लाइसेंस है. ये यहाँ के लाइसेंस्ड इंजीनियर है और ये सर्टिफाइड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं. एंड करंटली ही इज़ वर्किंग इन एनर्जी सेक्टर एज प्रोजेक्ट इंजीनियर. सो आज हम इनसे पूछेंगे किस तरह से मास्टर्स में एडमिशन लिया जाए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. सो थैंक यू सलमान फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड शेयरिंग योर नॉलेज विद एवरी वन. आप कैसे हैं? थैंक्स टू यू पारस फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर चैनल. माशाल्लाह आपका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, सो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन माशाल्लाह से. और जी हाँ, बिल्कुल एक लॉन्ग अवेटेड वीडियो थी और थैंक यू फॉर कैनिंग इट. गेटिंग मैसेजेस ऑन माई फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पेज के कैसे मास्टर्स में एडमिशन लिया जाए पाकिस्तान से, तो काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे थे. सो फाइनली मैंने कहा कि आज वीडियो बना ही लेते हैं. सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, इफ़ एनीवन वांट्स टू अप्लाई फॉर मास्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा, तो सबसे पहले उनका क्या स्टेप होना चाहिए? सबसे पहले तो नीयत होनी चाहिए ठीक है कि मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी क्या नीयत है, क्या मोटिव है, वो मोटिवेशन होनी चाहिए. रीज़न क्या है, वाई यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर मास्टर्स इन कैनेडा. अगर आपके लॉन्ग टर्म प्लानिंग है या आप यहाँ पे सेट होना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी न्यू लाइफ शुरू करना चाहते हैं, तो यू वॉन्ट टू टेक फर्स्ट स्टेप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो रीज़न क्या है. उसके बाद जो चीज़ है वो ये है कि अपना सेल्फ असेसमेंट करें, सेल्फ एवेल्यूएशन करें, उसमें देखें कि आप अपने आप को कहाँ रेट करते हैं. क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो सिलेक्शन है वो बेसिकली होती है कि आप खुद कितने पानी में हैं और आपका अपना रेज्यूमे कैसा है, आपका जीपीए कैसा है इन अंडर ग्रेड ठीक है, आपका यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें हैं. तो उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन करें और उसमें देखें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ की जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू हो गई, यूनिवर्सिटी रायरसन यूनिवर्सिटी हो गई जिसको अब टोरंटो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कहते हैं ठीक है, और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया हो गई, उसमें ये लोग ये चेक करते हैं कि हाउ बोनाफाइड स्टूडेंट यू आर. अच्छी आपको असेसमेंट आप खुद ही बता सकते हैं कि मैं कितने पानी में और मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूँ. तो पहला स्टेप यही है कि अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन करें और यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट करें कि एक दो तीन चार यूनिवर्सिटीज़ हैं और मुझे इन दो तीन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है. एकदम एक यूनिवर्सिटी फाइनलाइज ना कर लें कि एक ही यूनिवर्सिटी है, मुझे उसी को टारगेट करना है और उसी में अप्लाई करना है. फोकस्ड रहना इज़ गुड, बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स इट्स बेटर टू हैव प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी. और आपके पास प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई. सो चलें, अब हमने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट कर ली और मोटिवेशन दी, सो व्हाट वुड बी द सेकंड स्टेप नाउ? देखें, यूनिवर्सिटीज शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ये है कि जो जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके आप फॉर्म्स डाउनलोड करें. वो 100 से 150 डॉलर के दरमियान में प्राइस होती है, इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और वो कैनेडियन डॉलर्स में. वो डाउनलोड करके आप जो है वो उनके फॉर्म फिल करें और उस फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन जाती है वो डॉक्यूमेंटेशन, उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन चेक लिस्ट लिखी होती है जिसमें आपकी डिग्रीज हो गई, आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो गई और आपकी जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी उसी के साथ भेजते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन हो गई, जो बैंक की डॉक्यूमेंटेशन है वो. अब बैंक डॉक्यूमेंट्स कैसे बता रहे हैं, वो ऐसे बनाएंगे कि आप उस यूनिवर्सिटी का, उस मास्टर्स प्रोग्राम का फीस देखेंगे कितनी है ठीक है, तो
फॉर एग्जांपल कैनेडियन डॉलर्स में उसकी फीस आ रही है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट अराउंड 40,000 to 45,000 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 45 से 50 लाख रुपए बन जाते हैं। तो अगर इतनी आ रही है तो आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए और उसकी एक 6 मंथ्स की हिस्ट्री होनी चाहिए, एक्टिव फंड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एप्लीकेशन डालने से एक महीने पहले किसी से बोरो करके आप पैसे शो कर रहे हैं, तो वो जो है वो पीआर के लिए जब अप्लाई करते हैं उसके लिए तो चल जाती है वो चीज़, लेकिन उसमें भी एटलीस्ट 3 मंथ्स की हिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन मास्टर्स के लिए वो चीज़ नहीं चलती और इससे काफ़ी रिजेक्शन आए हैं। तो आपके पास फंड्स पूरे होने चाहिए और डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, HEC से आपकी डिग्रीज, आपकी ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड होनी चाहिए, HEC से पहले आपकी यूनिवर्सिटी से डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेड होने चाहिए। पर्पस इज वन ऑफ द की फैक्टर्स जिससे आपके जो है पूरी जो एप्लीकेशन आपकी जो प्रोफाइल उस पर डिपेंड करती है, तो वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए? देखिए, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए और स्पेशली अगर मैं इंजीनियरिंग उसकी बात करूँ, इंजीनियरिंग मास्टर्स के लिए, तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैनेडा के लिए इतनी कोई हाई फाई चीज़ नहीं है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाएं और उसको आप बार बार प्रूफ रीड करें। हाँ, अगर आप US EFT के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें वाकई की फैक्टर है SOP जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लेकिन अगर आप कैनेडा में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सेल्फ फाइनेंस में खुद अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना आपको SOP की कोई जो है वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं है। अच्छी हो तो आपकी एप्लीकेशन में जान आती है, लेकिन अगर सही है तो भी चल जाती है। और क्वेश्चन पूछना है आपसे जो कि मुझे काफ़ी पूछा गया है कि इस देयर एनी वे टू अप्लाई ऑन स्कॉलरशिप, जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप USA की होती है, तो इस देयर एनी वे टू अप्लाई ऑन फुल ब्राइट नहीं, फिर भी हाफ थोड़ा बहुत जो है ट्यूशन फी कवर हो जाए, तो वो अवेलेबल है ऑप्शंस फॉर कैनेडा और नॉट? इनिशियली तो स्कॉलरशिप पे नहीं मिलती है डायरेक्ट, उसका प्रोसेस ये होता है कि डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर सिंपली अप्लाइंग फॉर MEng मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग, तो उसमें स्कॉलरशिप का कोई चक्कर नहीं होता। बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर MSc मास्टर्स ऑफ साइंस, उसमें रिसर्च होती है, वो रिसर्च बेस्ड होती है। MEng जो है वो कोर्स बेस्ड होती है, कोर्स बेस्ड में भी कुछ थीसिस होती है, लेकिन उसमें ऑप्शन होता है कि या तो आप सारे कोर्सेज ले लें या आप उसमें रिसर्च और थीसिस इंक्लूड करें। लेकिन अगर MSc में अप्लाई करें तो उसमें होती है थीसिस लाजमी। तो MSc स्टूडेंट्स के लिए कभी कभार जो प्रोफेसर होता है वो आपको एक ग्रैंट प्रोवाइड कर सकता है, या वो आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट जॉब दे सकता है ड्यूरिंग योर MSc प्रोग्राम, जिससे आपके जो है वो फंड्स जनरेट हो जाते हैं कुछ। लेकिन उसमें भी इनिशियली यू हैव टू शो कंप्लीट पैसे अपने बैंक में, यू हैव टू पे फर्स्ट सेमेस्टर फीस। एक और यहाँ पे जो की चीज़ है वो ये है कि काफ़ी रिजेक्शंस आती हैं लोगों की, और उसका रीज़न क्या है रिजेक्शंस का? रिजेक्शन का मेन रीज़न होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स। उसमें यह है कि अगर आपके फंड्स 6 महीने या उससे पुराने नहीं हैं, उसमें अकाउंट में 6 मंथ्स की हिस्ट्री नहीं है, तो रिजेक्शन आती है। दूसरा, उतने फंड्स नहीं हैं जितने पूरे कोर्स के लिए रिक्वायर्ड हैं। तीसरा, आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस नहीं पे कर रहे हैं। रिसेंटली मेरे वर्क प्लेस पे एक लड़का मुझे मिला, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से उसने मास्टर्स किया है और उसने भी स्टूडेंट वीज़ा पर ही अप्लाई किया था पाकिस्तान से। ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम NED यूनिवर्सिटी एंड ही वॉज अमंगस्ट द top 10 स्टूडेंट्स इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। था कि उसने जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। रीज़न फॉर रिजेक्शन वॉज यू आर नॉट अ बोनाफाइड स्टूडेंट, हालांकि वो top 10 में था, which shows that he is a bona fide student. लेकिन still application reject हुई। And one more thing, वो application उसने एक consultant के through apply की थी, तो ये भी एक सवाल है, उसका मैं जवाब देता हूँ। लेकिन financial background जब मैं बता रहा हूँ तो उसमें यह है कि अगर आप first semester की fees pay कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपके case को मजीद strong कर देता है और आपकी chances होते हैं कि आपकी application accept हो जाए, क्योंकि हर कोई इतने 40-50 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान से बैठ के। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स या स्टूडेंट खुद भी इतना ज़्यादा अमाउंट जो है वो अरेंज कहाँ से करेगा। तो यहाँ पे एक और भी चीज़ मैंने देखी है कि वो फर्स्ट सेमेस्टर या
दो सेमेस्टर्स की जो है ना फीस दे के आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, तो वो साइड बाय साइड जो है जो इनकी अर्निंग होती है, इनकम आती है, उससे वो जो है अपनी जो है नेक्स्ट सेमेस्टर्स की फीस दे देते हैं। तो उस पर भी थोड़ा सा आप जो है बताएं कि वो क्या सीन है, क्योंकि नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड 40-50 lakhs, इट्स लाइक अ ह्यूज अमाउंट। या डेफिनेटली इट्स अ बिग अमाउंट, और मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट आप अपने अकाउंट में फंड्स शो करें, लाना अपने साथ मैंडेटरी नहीं है कि आप इतना सारा पैसा साथ भी ला रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दें, उसके बाद जब आप यहाँ मूव हो रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट वीज़ा पे यू आर अलाउड टू वर्क फॉर 20 आवर्स, जो कि आपके पास सैलरी 20 आवर्स देते हैं, उस पर आपका टैक्स बनता है और वो आपको एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसमें आते हैं। लेकिन अदर देन दैट सैलरी अकाउंट एंड सैलरी बेस्ड जॉब्स, आप यहाँ पे कैश की जॉब्स भी कर सकते हैं जिससे आप फंड्स जनरेट कर सकें। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, उनमें अगर आप पार्ट टाइम एसोसिएट भी काम करते हैं और अगर पार्ट टाइम एसोसिएट है तो उनमें 4 या 6 महीनों के बाद दे स्टार्ट पेइंग यू योर ट्यूशन फीस, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। तो उसमें यह है कि आप वहाँ बैठ के ये सोचेंगे यार 40-50 लाख रुपए हैं, हम लोग कैसे जनरेट करें, तो सारे पैसे एक साथ नहीं लाने होते। जैसे कि पारस ने बताया, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस पे कर दें और बिस्मिल्लाह करके आ जाए। यहाँ पे आप मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह वर्क करेंगे, अपना जो 20 आवर्स हैं उससे ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। कैश की जॉब भी आप कर सकते हैं किसी रेस्टोरेंट पे, तो उसमें आपको जो है फंड्स जनरेट हो जाते हैं फंड्स, और आप जो है अपना पैसे सेव करके और फीस आप अपनी पे ऑफ कर सकते हैं। तो दैट इज़ डूएबल और इतना मुश्किल नहीं होता। वंस आप उस रेस में आ जाते हैं, उस लाइन में लग जाते हैं, तो चीज़ें होती शुरू हो जाती हैं। जी बिल्कुल, ये सही बात है। रीज़न ऑफ कमिंग बैक, यू हैव टू शो योर फैमिली टाइज कि मैं वापस आऊँगा मास्टर्स करके। ये नहीं है कि मैं वहाँ स्लिप हो जाऊँगा। जैसा कि आपने बताया कि लॉन्ग टर्म क्या गोल्स हैं आपके, सेटल होना है। जी अल्टीमेटली तो सेटल होना है, लेकिन एप्लीकेशन में ये नहीं बताना कि मैं वहाँ सेटल होने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपने सिंपली इस बेसिस पे तो रिजेक्ट कर सकते हैं कि स्टूडेंट वीजा पे आ रहा है और फिर वो सेटल। हाँ, पहले ही बता दें, तो एक अलग प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस इफ यू वांट टू सेटल इन कनाडा। बिल्कुल, तो बेसिकली ये है कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में या अपनी एप्लीकेशन में ये बताना है कि आई हैव फैमिली टाइज देयर और आई हैव फैमिली बिजनेस देयर, या माय पेरेंट्स आर देयर, माय सिबलिंग्स आर देयर, एंड आफ्टर डूइंग मास्टर्स आई वांट टू कम बैक एंड एंड वर्क इन माय ओन कंट्री। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे आजकल सीपैक का बहुत काम चल रहा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपने जो है एसओपी में यही लिखते हैं कि आफ्टर गेनिंग एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड हम वापस आके सीपैक में काम करेंगे। ठीक है, तो हाँ ये चीज़ है, आप शो कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जैसे पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पे हबको है, एंग्रो एनर्जी है, या कोई बड़े पावर प्लांट्स हैं, IPPs हैं, उनमें आप काम कर रहे हैं, तो यू कैन डेफिनेटली मेंशन दैट आई एम करेंटली वर्किंग हियर एंड आफ्टर माय मास्टर्स आई विल कम एंड जॉइन फ्रॉम दिस पोजीशन। तो ये सारे ऑप्शन हैं, इसी वजह से रिजेक्शंस आती हैं। नंबर 1 आपके फाइनेंशियल स्टेटस, और नंबर 2 रीज़न ऑफ कमिंग बैक। जी,